सो दोस्तों, साल का वो टाइम चल रहा है जब कॉलेज एंड स्कूल्स ओपन होने वाले हैं और हमारे बहुत से भाई और बहनों को लैपटॉप्स की जरूरत पड़ेगी। और मुझे पता है स्टूडेंट लाइफ में आप महंगा लैपटॉप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 40K के अंदर ये सारे लैपटॉप्स जिनमें आप बड़े आराम से कॉलेज के असाइनमेंट्स, कोडिंग, फोटो एडिटिंग और ऑफिस का किसी का वर्क होगा या वीडियो एडिटिंग और थोड़ी गेमिंग वगैरह भी कर पाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ एंड आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं, उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। सो गाइस, यहाँ पे मैं सारे लैपटॉप्स को करंट डेट के प्राइसिंग के अकॉर्डिंग डालूंगा, मतलब जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन के हिसाब से, और आपको सभी लैपटॉप के बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे विद डिटेल्स। तो लिस्ट में जो सबसे पहला लैपटॉप है वो है हमारा लेनोवो का आइडियापैड स्लिम 3 एंड एग्जैक्ट जो मॉडल नंबर है वो आपके स्क्रीन पे मैं डाल दूंगा, क्योंकि वो अजीब सा होता है और मुझे याद करने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है, तो मैं याद करने लगता हूं उनको। तो गाइस, ये लैपटॉप का प्राइस जो है वो आपको 35,800 रुपए है और इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो इस लैपटॉप में आपको कोर i3 10th जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम रैम की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको 8GB की DDR4 रैम मिलती है और साथ साथ इसमें आपको 256GB की SSD देखने को मिलती है, तो आपकी जो बूटिंग होगी बहुत फास्ट मिलेगी और इसमें आपको इंटेल के UHD ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। साथ साथ ये लैपटॉप विंडोज 11 के साथ आएगा, वो भी जेन्युइन होगी और आपको इसमें MS 2021 भी देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर जो है प्री इंस्टॉल मिल के आएंगे विद लाइसेंस, लाइफ टाइम लाइसेंस। तो इस लैपटॉप का जो प्रोसेसर है वो सारे टास्क बड़े आराम से कर लेगा एंड SSD की वजह से आपको बहुत ज्यादा फास्ट लोडिंग देखने को मिलेगी एप्स के अंदर। एंड इसमें अगर आपको इन फ्यूचर रैम की जरूरत पड़ती है तो आप इसमें 12GB तक की रैम को अपग्रेड करवा सकते हैं, तो बस आपको एक 4GB की रैम परचेस करनी होगी जो कि आपको 1500 रुपए के आसपास ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पे मिल जाएगी। और अगर आपको रैम चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल दूंगा। बाकी ये लैपटॉप में आपको एक 15.6 इंच की फुल HD स्क्रीन मिलती है जिसका रेजोल्यूशन जो है वो 1920x1080 पिक्सल्स का है एंड इसमें आपको 220 nits की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है विद आ एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी। वेट की बात करें तो ये लैपटॉप आपको 1.7 kg का देखने को मिल जाएगा और इसका जो बैटरी बैकअप है वो 2 से 3 घंटे का है, तो वो भी बड़े आराम से ये किल कर लेगा। इसमें आपको टोटल 3 USB पोर्ट मिलते हैं जिसमें एक USB पोर्ट 2.0 है और बाकी USB 3 के पोर्ट्स हैं। साथ ही साथ इसमें आपको एक HDMI पोर्ट भी मिलता है और बाकी भाई अगर वाईफाई और ब्लूटूथ की बात करें तो वो दोनों चीजें भी आपको मिल जाती हैं। इसमें आप बाद में SSD भी अपग्रेड कर सकते हैं 1TB तक। इसमें आपको M.2 NVMe SSD लगी देखने को मिलती है, तो उसका ध्यान रखिएगा। और इस प्रोडक्ट में आपको 2 साल तक की वारंटी देखने को मिलती है, तो वो मुझे काफी ज्यादा सही चीज लगी। तो गाइस, जो हमारा अगला लैपटॉप है उसका नाम है Asus VivoBook 14 और इसका प्राइस जो है 36,990 है। इसमें भी आपको इंटेल कोर i3 10th जनरेशन वाला देखने को मिलेगा। खैर, लैपटॉप 14 इंच की फुल HD स्क्रीन के साथ आता है और इसका जो रेजोल्यूशन है वो भी 1920x1080p पिक्सल का है। इस लैपटॉप में आपको 8GB की DDR4 रैम मिलती है विद 512GB SSD और 32GB की ऑप्टेन मेमोरी, तो आपको विंडोज को जो बूट करने में टाइम होगा वो बहुत कम देखने को मिलेगा और बाकी ऐप भी बहुत जल्दी लोड होंगे। बाकी इस लैपटॉप में भी आपको इंटेल के UHD ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। इस लैपटॉप में आपको MS Office 2021 मिलता है और आप साथ ही साथ आपको विंडोज 11 होम प्री इंस्टॉल्ड मिलती है। इस लैपटॉप का वेट जो है वो 1.6 केजी के आसपास है। इस लैपटॉप में भी आप 12GB तक रैम को अपग्रेड कर सकते हैं और इसमें जो SSD दी हुई है वो NVMe SSD है और साथ साथ में आपको 2.5 इंच की HDD या SSD लगाने का स्लॉट दिया हुआ है, तो आप इसमें 1TB तक की SSD या HDD अपनी इच्छा अनुसार या अपनी औकात अनुसार या अपने स्वाद अनुसार लगा सकते हैं। इस लैपटॉप की स्क्रीन में आपको नैनो एज बेजल्स देखने को मिल जाते हैं विद अ एंटी ग्लेयर प्लेन एंड 45% NTSC एंड 82% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। इस लैपटॉप में आपको 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है बट वो हाई यूजेज पर सिर्फ 2 या 3 घंटे ही चलता है। बाकी इस लैपटॉप में आपको 4 USB पोर्ट्स मिलते हैं जिसमें आपको 2 USB पोर्ट्स 2.0 के मिलते हैं और 2 USB पोर्ट 3.0 के मिलते हैं। बाकी वही बेसिक सारे फीचर जैसे कि ब्लूटूथ और वाईफाई वगैरह हमें सब देखने को मिल जाता है और HDMI पोर्ट भी हमें देखने को मिलता है लैपटॉप में। अब गाइस, जो अगला लैपटॉप है वो है HP का 15S लैपटॉप और ये एक AMD Ryzen बेस्ड लैपटॉप है। इस लैपटॉप का प्राइस 36,900 रुपए है, तो काफी कॉम्पिटेटिव प्राइस है पिछले लैपटॉप कंपैरिजन में। इस लैपटॉप में आपको AMD का Ryzen 3
5300U प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि राइजन की 5000 सीरीज का बेहतरीन मोबाइल एपीयू है। इस लैपटॉप में आपको एक 15.6 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले मिलती है और इसमें भी आपको DDR4 रैम मिल जाती है, वो भी 512GB SSD के साथ, और इसमें भी आपको रेडॉन ग्राफिक्स मिल जाते हैं। ये लैपटॉप विंडोज 11 के होम एडिशन के साथ आता है और इसमें भी आपको लाइफ टाइम MS ऑफिस देखने को मिल जाता है। इस लैपटॉप में आप रैम को 16GB तक अपग्रेड कर सकते हैं, तो ये मुझे अभी तक का सबसे काफी सही फीचर लगा बाकी सारे लैपटॉप्स में। बाकी सब में इसमें भी आपको 512GB की SSD मिलती है और वो भी एक NVMe SSD है, जिसको आप अपग्रेड भी कर सकते हैं टाइम आने पर, और SSD होने की वजह से सारे एप्स वगैरह जो है बहुत ही स्मूथ चलेंगे। इसकी डिस्प्ले में आपको 141 PPI और 250 nits की ब्राइटनेस और एंटी ग्लेयर जैसे फीचर्स वगैरह मिलते हैं। इस लैपटॉप में आपको एक टाइप सी पोर्ट, दो हाई स्पीड टाइप ए पोर्ट्स और एक HDMI पोर्ट्स मिलता है। इसमें आपको 720p का वेबकैम मिलता है और बाकी के बेसिक फीचर जैसे सारे मिल जाते हैं ब्लूटूथ और वाईफाई वाले। इस लैपटॉप का बैटरी बैकअप जो है वो 4 घंटे का देखने को मिलता है और काफी मुझे सही लगा इसका बैटरी बैकअप। और इस लैपटॉप का जो वेट है वो 1.6 केजी के आसपास आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो में यहां तक आ गए हो और वीडियो पसंद आ रही है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो, मुझे बुलाते हुए पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे वाले लैपटॉप की तरफ। तो दोस्तों, लिस्ट में जो अगला लैपटॉप है वो भी लेनोवो का आइडियापैड स्लिम 3 है, और इस लैपटॉप में इंटेल के 11th जन का कोर i3 मिलता है, और इस लैपटॉप का प्राइस 37,900 से लेकर 38,480 के आसपास वेरी करता है, तो आप लोग देख सकते हो जैसा भी आपको प्राइस मिले। इस लैपटॉप में भी आपको 8GB की रैम, 512GB की SSD मिलती है, और ये लैपटॉप भी विंडोज 11 के होम वर्जन के साथ और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 के साथ आता है। लैपटॉप का वेट 1.65 केजी के आसपास है, और इस लैपटॉप में आपको 2 ईयर्स की वारंटी भी मिलती है, जो कि हमें लास्ट लेनोवो के लैपटॉप में भी देखने को मिला था। इस लैपटॉप में आप रैम को सिर्फ 12GB तक एक्सटेंड कर सकते हो, इस बात का आप ध्यान रखना, और इस लैपटॉप में ही आपको इंटेल के यूएचडी ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। ये लैपटॉप 15.6 इंच की स्क्रीन के साथ आता है, जिसमें आपको फुल एचडी का रेजोल्यूशन मिलता है और एंटी ग्लेयर के साथ 250 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे ब्राइटनेस थोड़ी हमें ज्यादा देखने को मिलती है बाकी लैपटॉप्स के कंपैरिजन में। इस लैपटॉप में आपको USB 2.0 के पोर्ट 2 मिलते हैं और USB 3.0 के पोर्ट 1 मिलता है, साथ साथ एक HDMI पोर्ट देखने को मिल जाता है। इस लैपटॉप में स्टैंड बाई पे आपको 8 घंटे का बैटरी बैकअप है, और हैवी यूजेज या यूजेज के डिपेंड करता है कि 3 से 4 घंटे का आराम से बैटरी चल जाती है। तो गाइज, अब लिस्ट का लास्ट लैपटॉप बताने जा रहा हूं आप सबको। तो गाइज, हम बात कर रहे हैं आसूस के वीवो बिग 15 की, जो कि आपको 38,990 का देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह। और इस लैपटॉप में आपको इंटेल का कोर i3 10th जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है, 8GB की रैम है विद 512GB SSD और इंटेल के यूएचडी ग्राफिक्स। विंडोज 11 होम और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 भी इसमें प्री इंस्टॉल आपको मिल जाएगा बाकी सारे लैपटॉप की तरीके। इस लैपटॉप में भी आपको 12GB तक की रैम अपग्रेड देखने को मिलती है, साथ साथ में आपको 32GB की ऑप्टेन मेमोरी भी मिल जाती है, और इसमें आपको एक 2.5 इंच की ड्राइव का स्लॉट मिलता है 1TB तक का, तो उसमें आप HDD और SSD कुछ भी लगा सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। ये लैपटॉप एक 15.6 इंच की डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता है विद 200 निट्स की ब्राइटनेस के साथ, और एंटी ग्लेयर NTSC 45% है, और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 83% हमको देखने को मिलता है। इस लैपटॉप का टोटल वेट 1.8 केजीज है, और इसमें आपको टोटल जो है 4 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, तो अभी तक का सबसे हैवी लैपटॉप मुझे लगा ये। इसमें आपको एक USB 3.2 Gen 1 Type A और एक USB 3.2 Gen 1 Type C और 2 USB 2.0 के पोर्ट देखने को मिलते हैं विद आ 1 HDMI पोर्ट, तो पोर्ट्स काफी भर भर के इस लैपटॉप में, और बाकी एसेंशियल फीचर्स सारे मिल जाते हैं आपको इस लैपटॉप के साथ। तो दोस्तों, आपने देखा कि लगभग सारे लैपटॉप में आपको ऑलमोस्ट सेम कॉन्फ़िग देखने को मिल रही है, तो अब आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा और किस प्राइस पॉइंट पे आप बाय कर सकते हैं इन सब लैपटॉप को, या फिर आप कितना स्पेंड करना चाहते हैं। मेरी पर्सनल चॉइस है HP का लैपटॉप, बट आप मुझे कॉमेंट्स में अपनी चॉइस बता सकते हैं कि आपको लैपटॉप कौन सा सबसे सही लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी कर देना वीडियो को, तो मुझे बुलाते हुए पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्यूचर वीडियोस के लिए। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, सारे लैपटॉप्स के लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं और हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं फॉर बिहाइंड द सीन एंड सच मोर कंटेंट। मैं वहां पे भी बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट डालता हूं इंस्टाग्राम पे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपको किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, पीस।